फ्रेंड्स, आज मैं आपको चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ यौगिक क्रियाएं बता रही हूँ। खान पान का तो ध्यान रखने से सुंदरता बढ़ती ही है, इसके साथ साथ कुछ ऐसी यौगिक क्रियाएं भी है जिसको करने से हमारे चेहरे को भरपूर ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन के साथ साथ रक्त संचरण पूरी अच्छी तरह से पूरे चेहरे पर होता है, और इस यौगिक क्रियाओं को करने से, इस योगा को करने से आपके चेहरे पर ग्लो तो आएगा ही, इसके साथ साथ जो डार्क सर्कल्स हैं और आँख के नीचे जो रिंकल्स हैं, ये रिंकल्स भी खत्म हो जाएंगे, किल मुहासे की समस्या भी खत्म हो जाएगी। जो मैं क्रियाएं बताने जा रही हूँ, इसको आपको 10-10 बार करना है। सबसे पहले मुंह में गैस भर के गोल गोली से घुमाना है। दूसरी प्रक्रिया है मुंह में सांस भर के, और आपको सांस को थोड़ा देर रुके रखना है। बीपी और हार्ट के मरीज इसे नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें सांस रोकना मना रहता है। इस प्रक्रिया को आपको कम से कम 10 बार करना है, और ध्यान रहे जबड़े में ये सांस नहीं भरना है। जो भी आपको हवा भरना है वो मुंह के अंदर ही भरना है, मुंह तक ही ये सीमित रहना चाहिए, बस यहीं तक। और तीसरी प्रक्रिया में इस तरह से आपको थपथपी मारना है पूरे चेहरे पे। ये थपथपी मारने से चेहरा आपका गर्म होगा, ब्लड संचार अच्छी तरह से होगा, पूरे चेहरे पर ब्लड संचार अच्छे से होगा, जिससे आपके चेहरे पर ग्लो दिखने लगेगा। ये आपको 3 से 4 मिनट तक करना है। गर्मी का मौसम है, अगर आपके चेहरे पे पसीने आने लगते हैं तो आप इन पसीनों को पोंछने के लिए ये रुमाल रखेंगे, ये रुमाल हैंकी, जिसको हल्का सा पानी से नम कर लेंगे। नम करके इस तरह से ऐसे जो भी पसीना है, पसीना आपके रोम छिद्रों को बंद कर देता है जिससे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसलिए पूरी तरह से उनको ऑक्सीजन देने के लिए, पहुँचाने के लिए हमें इसे पोंछना है। इस तरह से अच्छी तरह से 3 से 4 बार इस तरह से पोंछना है। अब हम क्या करेंगे, इस हैंकी में एक बर्फ़ का टुकड़ा लेंगे। ये बर्फ़ का टुकड़ा मैंने खीरे का है, ये बर्फ़ का टुकड़ा खीरे के रस से बना है। खीरे के रस को आप निकाल लीजिएगा, और निकालने के बाद उसमें हल्का कपूर डाल दीजिएगा, थोड़ा सा कपूर डाल दीजिएगा, और इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। जब ये जम जाएगा तो इसे निकाल कर चेहरे पर आप हल्का हल्का मसाज करिएगा, रुमाल में रख करके। इसको मसाज करने से चेहरे को आपके पूरे ऑक्सीजन तो मिलेंगे ही, इसके साथ साथ डार्क सर्कल्स भी हटेंगे और चेहरे पे आपके ग्लो भी आएगा। इस तरह से दिन भर में एक बार आपको स्किन को टाइट रखने के लिए बिल्कुल इस तरह से बर्फ के एक टुकड़े को निकाल कर आपको इस तरह से मसाज कर लेना चाहिए चेहरे का। इससे चेहरा, स्किन आपका टाइट होगा, रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। 50-40 की एज में भी आप यंग एज के दिखेंगे और चेहरे में आपके निखार आएगा। बहुत ज़्यादा हमें चेहरे को नहीं मसाज करना है, नहीं तो रेसेस होने लग जाएंगे चेहरे में। अब हमें आंखों को बंद करके और इस तरह से आंख पे पूरी उंगलियां ऐसे रख देना है, आंख रख करके ब्राह्मणी प्राणायाम करना है, जैसे सांस अंदर भर के और उसे छोड़ना है। इस तरह से करने से आप देखेंगे कि पूरे चेहरे पे एक कंपन सा पैदा होता है। जब ये कंपन होने लगता है तो ये जान जाइए कि इसका अच्छा इफेक्ट आपके चेहरे पे पड़ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद मुंह से दोनों होठ को ढीला छोड़ देना है और उससे टर्र की आवाज़ करनी है। ये तो हास्यास्पद है क्योंकि बच्चे अक्सर प्रायः ये करते हैं इस तरह से। इससे पूरे चेहरे पे आपके कंपन पैदा होगा और रक्त संचरण अच्छी तरह से होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसे करिए। यकीन मानिए आप, इसका एक अच्छा रिजल्ट आपको दिखाई देगा।